वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। प्रीवियस लेसन में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन में काफ़ी सारे सेक्टर्स को कवर किया गया था, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स भी लिए गए और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी लिए गए। लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस टाइप के इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिए गए थे अंडर द लिबरलाइजेशन प्रोसेस। In this lesson, I am going to teach you financial sector reforms. What are financial sectors? ये जो तीन institutions हैं इनको हम financial sectors में count करते हैं, जैसे कि banking and non-banking financial institutions, stock exchange market and third is foreign exchange market. What happened was, before 1991, all these sectors, that means all these financial sectors were controlled and regulated by RBI. But after liberalization, the role of RBI changed. Role of RBI changed. It is changed from a regulator to a facilitator. Let us understand how. As a regulator, RBI fixes all the interest rate structure for commercial bank. That means कि कमर्शियल बैंक जो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो फिक्स करेगा, बेसिकली वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करेगा। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन हमारी कंट्री में आया, दैट मींस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारी कंट्री में लिए गए, तो आरबीआई का जो रोल है रेगुलेटर से एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर चेंज हो गया। फैसिलिटेटर मतलब facilitator, that means now the interest rate of the interest rate structure of the commercial bank are decided by the commercial bank themselves. That means now commercial bank are free to decide their interest rate structure. अब इसकी वजह से फायदे क्या हुए? इसकी वजह से काफी सारे हमको बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स, लेड टू इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। प्राइवेट बैंकर्स दोनों तरह के इंक्रीज हुए, जैसे कि डोमेस्टिक बैंकर्स as well as international bankers. Second फायदा इससे हमें क्या हुआ? It allowed foreign institutional investors. That means now these foreign institutional investors can invest in India. That means now capital requirement for the country is being fulfilled by these kind of investors. That means अगर ये investor हमारी country में invest करेंगे तो हमारी country में जो investment की जो problem है और जो capital की जो problem है कुछ हद तक solve हो जाएगी। और third है इसका, third benefit ये हुआ, that the financial sector shows multi-dimensional growth. So that led to the growth and development of the Indian economy. So, because the role of RBI has changed from a regulator to a facilitator,
तो इतने सारे जो बेनिफिट हैं हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो हुए, जो रिफॉर्म्स आए, जो चेंजेस आए, उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा। हमारा जो थर्ड रिफॉर्म है फिस्कल रिफॉर्म, जो कि लिबरलाइजेशन के अंडर ही लिया गया था। लिबरलाइजेशन से पहले हमारा जो कंट्री का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और जो टैक्स रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर था। जब भी टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जो टैक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बोथ लेड टू द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की जब चोरी जब लोग करते हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आप टैक्स जो लॉज हैं उनको मॉडिफाई करके आप अपनी जब टैक्स जो आप अपना जो टैक्स होता है जब उसको डिक्रीज करते हैं, लॉज को लूप जो लॉ है टैक्स लॉ है उनके लूप होल्स को जब आप यूज़ करके अपना टैक्स बर्डन जब आप डिक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो जब ये हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई रेट पे था, लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई किया गया और जो टैक्स रेट है उसको भी डिक्रीज किया गया। जैसे ही टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं और टैक्स रेट आप डिक्रीज करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि ये हमारा जो टैक्स कंप्लायंस है, टैक्स कंप्लायंस है वो एनहांस कर देता है। दैट मीन्स कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको कम पे करना है तो आप टैक्स को चोरी ना करके आप पे करना पसंद करेंगे, आप टैक्स पे करना पसंद करेंगे। दैट मीन्स नाउ टैक्स पेइंग कंप्लायंस हैज़ बीन इंक्रीज एंड देन विच लेड टू द इंक्रीज इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज नाउ मोर नंबर ऑफ पीपल आर पेइंग टैक्स। सो इससे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया, टैक्स रेट को डिक्रीज किया गया। जैसे ही टैक्स रेट डिक्रीज होगा टैक्स पेइंग कंप्लायंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और टैक्स जो इवेजन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टैक्स इवेजन डिक्रीज होगा तो जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये फिस्कल रिफॉर्म लिया गया था जिससे कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म ये लिबरलाइजेशन के अंडर ही ये रिफॉर्म्स लिए गए थे। तो फर्स्ट इसमें है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। डीवैल्यूएशन रुपीज का क्या मतलब है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दैट नाउ इट इज चीपर फॉर फॉरेन कंट्री टू परचेज फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप $1 देकर आपको ₹70 का सामान मिल रहा था, जो फॉरनर्स हैं $1 पे करने के बाद उनको ₹70 का सामान मिल रहा था, लेकिन अभी $1 पे करने के बाद उनको ₹75 का सामान मिल रहा है। दैट मीन्स जो हमारे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी फॉरनर्स को लगेगा कि इंडिया में सामान उनको सस्ता मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से ज़्यादा परचेज करेंगे। बिकॉज नाउ इट इज़ चीपर फॉर फॉरेन कंट्री टू परचेज फ्रॉम इंडिया। सो हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो हमारी कंट्री में क्या होगा, द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। तो डीवैल्यूएशन हमारी कंट्री में करने का इकलौता रीजन ये था ताकि हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या लिया गया, जितने भी इम्पोर्ट कोटास थे और जो इम्पोर्ट लाइसेंस थे एंड इम्पोर्ट लाइसेंस बोथ आर एबॉलिश्ड। दैट मीन्स
कि अब आपको इम्पोर्ट करने के लिए कोई भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर. दैट मीन्स आप जितना भी इम्पोर्ट करना चाहते हैं उतना आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, और इम्पोर्ट लाइसेंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट से किसी भी टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. जब भी आप बाहर से इम्पोर्ट करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो मशीनरी है, आप इजीली वहाँ से परचेज कर सकते थे. थर्ड जो रिफॉर्म लिया गया वो क्या लिया गया कि हमारी कंट्री में जो टैरिफ है उसको डिक्रीज किया गया. टैरिफ मीन्स दैट इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट. जब भी आप बाहर से कुछ इम्पोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कुछ टैरिफ लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाऊँ कि आप बाहर से कुछ भी एक चीज़ खरीद रहे हैं. लेट से एक पेंसिल बॉक्स आपने खरीदा है, और पेंसिल बॉक्स की जो प्राइस है बाहर की कंट्री से जो आपने खरीदा, तो वो 100 रुपीज़ है. लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया. फॉर लेट से उन्होंने 10 रुपीज़ का टैरिफ लगा दिया. तो अब जब वो आपके हाथ में आएगा, बाहर की कंट्री में वो 100 रुपीज़ का आपने खरीदा, लेकिन 10 रुपीज़ उसमें यहाँ पर टैरिफ लग गया, तो इसका मतलब वो 110 रुपये का आपको मिलेगा. दैट मीन्स नाउ इट इज़ कॉस्टलियर फॉर यू. जब भी आपके लिए बाहर से परचेज करना कॉस्टली हो चुका होगा तो आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, और आप हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को आप इम्पोर्ट करना पसंद सॉरी उन्हीं को आप परचेज करना पसंद करेंगे. लेकिन अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने जो ये टैरिफ है इसको हटा दिया, ताकि हमारी कंट्री में जो कॉम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो सके. बिकॉज हो क्या रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपटीशन है उसको ही ख़त्म कर दिया था. क्योंकि अगर बाहर से चीज़ कोई हमको चीप रेट पे मिल रही है तो हम बाहर से खरीदना उसको पसंद करेंगे, जिसकी वजह से हम डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम नहीं खरीदेंगे अगर वो हमको कॉस्टली हैं तो. जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोडक्ट इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर रहे थे, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे. जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कंपटीशन है उसको क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो टैरिफ है उसको डिक्रीज कर दिया. फोर्थ इज गवर्नमेंट विड्रॉ एक्सपोर्ट ड्यूटीज. विड्रॉ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, व्हाट आर एक्सपोर्ट ड्यूटीज? दैट मीन्स वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग टू आउटसाइड यू हैव टू पे टैक्स और यू हैव टू पे ड्यूटीज. सो जब भी आप बाहर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप उस पे टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि बाहर की कंट्री में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा. जैसे ही वो एक्सपेंसिव होगा तो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, और बाहर के लोग हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे. तो हमारी कंट्री में इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो इंडियन गुड्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको विड्रॉ कर लिया. तो बेसिक जो फोकस था लिबरलाइजेशन का वो ये था कि हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो अचीव हो. सो बेसिक फोकस क्या था, अचीविंग ग्रोथ थ्रू कंपटीशन, थ्रू कॉम्पिटिशन रेदर देन प्रोटेक्शन. सो लिबरलाइजेशन टॉपिक इज ओवर नाउ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू प्राइवेटाइजेशन. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.